चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए टॉपिक से। नए टॉपिक का नाम है सरलीकरण। तो सरलीकरण की बहुत ज़्यादा डिमांड बच्चों के द्वारा आई थी। हर बार कमेंट में होता था कि सर एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन पर, एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन पर सर सरलीकरण से थोड़ा बता दीजिए। तो सरलीकरण के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो उससे ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 101% समझ में आएगा। और भैया चीज तो आप जान रहे हो ना, मैं पढ़ाता वही हूँ जो पेपर का रिक्वायरमेंट होता है और ये रिक्वायरमेंट मुझे पता भी आप ही लोगों से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, सरलीकरण को और सरल बनाते हैं आपकी बेहतरीन डिमांड के साथ। शुरुआत करते हैं, देखिएगा जैसे ये क्वेश्चंस है ना, जब ये क्वेश्चन सामने आते हैं तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि अरे दादा रे दादा कैसे होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। जब आपको क्वेश्चन इस प्रकार का दिख रहा है, आपको हर बार ऊपर 1 दिखाई दे रहा है और नीचे लिखी हुई संख्याओं में गैप भी उतने का ही है जितना ऊपर लिखा हुआ है। जैसे ऊपर 1 है, नीचे यहां पर देखिए गैप 1 का, 2 और 3 में अंतर 1 का, 3 4 में अंतर 1 का, 4 5 में अंतर 1 का, 64 और 65 में अंतर 1 का। कई बार ऐसा होता है कि ये अंतर बड़े हो जाते हैं, तो मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, देखते रहिएगा कैसे। अब इस प्रकार के सवालों में जब बच्चा करता है तो उसे लगता है कि हाय दैया कैसे होगा। नोट करिए सर शॉर्ट ट्रिक ऐसे सवालों की कि आपको ऐसे सवालों में क्या करना है। और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी शॉर्ट ट्रिक होगी कि अंतर फिर चाहे 1 का हो या 1000 का, आप हर सवाल इसी एक शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे इस प्रकार का। यानी कि ये मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको जो बताऊं वो एक सवाल के लिए हो, फिर अगर दूसरे प्रकार का सवाल आ जाए तो उसमें वो ढुस हो जाए। मैं ढुस होने वाली कोई भी चीज नहीं बताता हूं आपको, जो बताऊंगा वो सॉलिड होगा, पुख्ता होगा। अच्छा दूसरी बात, लाइक और शेयर में कंजूसी मत करिएगा मेरे दोस्त। लाइक और कमेंट में शेयर अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप शेयर बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन लाइक और कमेंट में कंजूसी मत करना मेरे दोस्त, बड़ा मेहनत लगती है इन सब चीजों को आप तक पहुंचाने में, ठीक है। चलिए जी तो देखिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं मजेदार तरीके से, ठीक है। चलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, देखना क्या है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको जब ये दिखाई दे कि अंतर नीचे 1 का है, नीचे 1 का है, तो आपको लिखना है, लिख लीजिए इसमें 1/ डिफरेंस। यानी कि जितने का भी आपके पास अंतर है आप उसको लिख लीजिए। फिर क्या लिखना है, गौर करना मेरे दोस्त। फिर आप यहां लिखेंगे 1/ माइनस, फिर यहां लिखेंगे 1/। सर जी इस अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे ये नहीं बताएंगे क्या, बताएंगे मित्र। आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट नंबर और यहां पर लिखोगे सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड नंबर का मतलब लास्ट नंबर, ठीक। अब सर जी आप अभी वैसा वैसा बता रहे हैं सर, आप पूरी बात एक बार में नहीं बता रहे, मेरा पेशेंस छूटा जा रहा है। सर क्या है फर्स्ट नंबर इसमें और क्या है लास्ट नंबर इसमें, सुनिएगा सर बहुत ध्यान से। जो भी आपके सामने लिखा है ना, ये है आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये है आपका लास्ट नंबर। तो यही चीज उठा के केवल यहां पे आपको हुसड़ देनी है, काम खत्म, पेल पाल के रामपाल, ठीक। अब देखो इस सवाल को कैसे आप धूमिल करेंगे समझिएगा, कभी कभी जोश में कुछ चीजें निकल जाती हैं उसको माइंड मत करना। एक डिफरेंस क्या चल रहा है, एक, एक बटे एक, 1/ पहला पद क्या है सर, 1, और आखिरी 1/ आखिरी पद क्या है सर जी, 65। मैंने कहा ओके तो बाहर तो एक ही रहा ना मित्र। अब ये हो गया 1 - 1/65। अब देखिए सर 65 + 65 में से एक घटाएंगे 64 आएगा, यानी कि ऊपर आ गया 64 और नीचे आ गया 65। सवाल का काम तमाम हो गया सर, सवाल कोई झंझट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए मुझसे कहो, मैं हूं ना, ठीक। चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं, आपके सामने उपस्थित करते हैं। अब देखिए यहां पर भी डिफरेंस की बात थी, अब देखो सर यहां पर डिफरेंस कितना है सर, 3-3 का डिफरेंस आ गया। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, फिर से बोल रहा हूं यूनिवर्सल मेथड है। 2 हो 3 पद हो 4 पद हो 15 पद हो कुछ हो नहीं करना, ध्यान से सुनते जाओ। देखिए सर 1/ डिफरेंस कितने का, 3 का, ये डिफरेंस 3 है, ये अंतर 3 है, ये अंतर 3 है, आगे सब में अंतर 3 है, तो 1/3। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको यही याद करा देता हूं, 1/ पहला पद क्या है सर, 1, माइनस 1/ आखिरी पद क्या है सर, 16। काम खत्म हो गया सर, सवाल खत्म हो गया, तो 1/3
गुणे 16 एकम 16 में से एक गए 15 बटे 16, तीन से काट लीजिए, पांच ऊपर 16 नीचे, 5 बटे 16 सर आपका उत्तर हो गया। बोलिए हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतर कितना दिख रहा है सर? चार दिख रहा है, चार है, चार है, चार है, चार है, एक बटे चार। बताइए पहला पद सर एक बटे पांच और आखिरी पद सर एक बटे पैंसठ। वेरी गुड, इतनी बात क्लियर है? बोले हाँ सर। एक बटे चार बाहर लिख लीजिए ऐसे ही, पैंसठ बनाने के लिए ऊपर 13 माइनस एक बटे पैंसठ, यही तो आएगा? बोलिए हाँ या ना। बोले सर ये कैसे कर दिया आपने? मैंने कहा भाई मैं इस भाग को भी पैंसठ बनाने के लिए 13 से गुणा कर लेता हूं तो ऊपर भी तो 13 ही आएगा। ये किया है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, कोई जादू नहीं करते हैं भाई। मैथ्स में जब चीजें एक बार से दूसरी बार छलांग मार के जाती हैं तो सामने बच्चे को लगता है अरे ये तो जादू हो गया। जादू कुछ नहीं होता, इसी को कहते हैं स्टेप खाना। और जो बच्चा ये धीरे धीरे सीख जाता है ना वो पेपर कंफर्म फोड़ ही देगा। चलिए ये हो गया सर एक बटे चार 12 बटे 65। क्या इतनी बात ठीक लगी? क्या इतनी बात ठीक लगी? चार से काट दीजिए तीन बार, 3 बटे 65, 3 बटे 65 ये आपका आंसर आ गया। बोले ठीक है, क्लियर? हाँ या ना, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट आइए। ये सवाल देखिए, अंतर कितना है? 6। हेलो हेलो, हाँ जी। अबे यार बहुत है बेवकूफ आदमी हो यार, अंकित मुंकित नंबर देखते नहीं? धरो फोन। चलिए अंतर कितने का है? 7 का। अंतर कितना है? 7। यहां पर अंतर 6, 7 नहीं सॉरी 6, यहां पर अंतर 6, यहां पर अंतर 6। अब की बार अंतर कितना देख रहा है? 6 6 का 1/6। पहला पद देखिए एक, अरे भाई एक बटे एक का मतलब एक ही ना होगा तो सीधे एक लिख देते हैं, क्या बुराई है? आखिरी पद देखिए 1/25, पहला पद एक आखिरी पद 1/25, 25 में से एक माइनस होगा 24/25, 1/6 पहले से बाहर था तो ये हो गया 24/25। काटिए सर 6 चौको 24, आंसर बताइए सर 4/25। कोई दिक्कत किसी को? एक ही तरीका, सिंगल यूनिक मेथड, सारे क्वेश्चन खत्म। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको हर क्वेश्चन, अब देखो अब कहोगे सर इसमें भी वही लगेगा? जी हाँ इसमें भी वही लगेगा। समझना क्या है, देखना क्या है? अब इसमें पहला पद और दूसरा पद कैसा देखोगे, अंतर कैसे देखोगे, इस चीज को समझ लो। बस केवल इतनी सी बात, अंतर इसमें आपको देखना होगा पहले और आखिरी पद का। हमेशा जो आप ये लिखते हो ना कि 1/डिफरेंस 1/अंतर गुणे 1/फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद और माइनस में 1/लास्ट टर्म यानी कि आखिरी पद। अब आपको इसमें केवल इतनी ही बात समझनी है कि अंतर क्या लेंगे, पहला पद क्या लेंगे और आखिरी पद क्या लेंगे, काम खत्म। अंतर हमेशा पहले और आखिरी इसमें लिए जाएगा। किसका किसका? जैसे 1 और 3 का अंतर 2, 2 और 4 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर देखो हमेशा बस। तो भाई अंतर कितना दिख रहा है? 2, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 1/2। सेम तरीका, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, इस चीज को सीख लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा और आखिरी पद क्या होगा, इस चीज को सीख लीजिए और काम खत्म करिए सवाल का। देखिए इन सब में जो पहला पद होगा वो पहले दो पद होंगे, जैसे 1/2 है ना, ये पहला पद है, इसका पहला पद क्या है? 1/2। दूसरा पद क्या होता? 2/3। मेरी बात समझ पाए? तो पहला पद क्या है? 1/2, तो 1/2। और आखिरी पद में आप 5 और 6 नहीं लेंगे, इसका पहला पद 5/6 है, आखिरी पद 6/7 है, तो आखिरी पद आप जो लेंगे वो क्या लेंगे? 6/7 का। किसका? 6/7 का, तो यहां पर 6/7। बस लीजिए सर सवाल, सेम कंडीशन सेम स्थिति, सब सवाल खत्म। 1/2 1/2 माइनस 1/42, ये तो आएगा? बोले हाँ सर यही आएगा, 1/42। 42 बनाने के लिए 21 से गुणा होगा, यहां भी 21 से गुणा होगा, 21 में 1 घटा लीजिए, जब हर बराबर तो अंश में 21 में से 1 घटाएंगे, 20/42, 1/2 ऊपर 20 नीचे 42, 2 से काटेंगे 10 बार, 10/42 यानी कि 5/21, 10/42 मतलब 5/21, आंसर खत्म, सवाल खत्म।
सरल है, इजी लगा तरीका, मजा आई, कमेंट करना जरूर जरूर जरूर। और क्लास अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर में वो मत करना। चलिए इसमें देखें, अंतर देखो छह का, अंतर देखो छह का, यानी हर बार छह छह का अंतर चल रहा है सेम क्वेश्चन पे। तो एक बटे छह, पहला पद बताइए सर, एक बटे एक गुणे चार। आखिरी पद बताइए सर, एक बटे तेरह गुणे सोलह। ये तो है, बोलो हाँ या ना, ये तो है। ठीक है सर, आओ अब देखो बराबर कैसे करता है। एक गुणे चार है, तेरह गुणे सोलह, तेरह लाने के लिए तेरह का तो गुणा होगा ही होगा, और इस चार को सोलह बनाने के लिए चार का भी गुणा होगा, यानी तेरह चौको बावन का गुणा हुआ, तो ऊपर भी बावन का गुणा। ये सारी चीजें भी मैं आपको कैलकुलेशन की बीच बीच में सिखाता चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब पेपर कैसे निकाले जाते हैं, तीन तीन चार चार पांच पेपर निकाल, खैर छोड़ो वो अभी बात उसकी नहीं। एक बटे छह, बावन में से एक गया पचास, सॉरी इक्यावन, नीचे क्या आ जाएगा, तेरह गुणे सोलह, लिख लो आप तेरह गुणे सोलह। अरे जो बड़ी संख्या होगी वही ना आएगी भाई, तेरह गुणे सोलह, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। किसी बच्चे को इतने में कोई समस्या है, बोले नहीं सर, बावन में से एक माइनस इक्यावन बटे तेरह गुणे सोलह। अब जरा तीन से डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड कर लीजिए, तीन से, सर तीन दूनी छह, तीन से सत्रह बार ये हो गया, ऊपर क्या आ गया अपने पास सत्रह, और नीचे क्या आ जाएगा, दो गुणे तेरह गुणे सोलह। अब तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो ऊपर सत्रह ही रहेगा, नीचे इसका गुणा करके आप लिख देंगे छब्बीस गुणे सोलह, आपके पास क्या आएगा, सोलह दूनी बत्तीस, तीन सौ बीस, सोलह छक्का छियानवे, तीन सौ बीस और छियानवे यानी कि चार सौ सोलह, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। लीजिए हो गया सर सवाल। अब लोग इसी को पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के तरीकों से बताते हैं, क्या है इतना कठिन बताएंगे ना कि बच्चा कहेगा कि यार अरे यार ऐसे कैसे होगा इतना कठिन, और फिर जब उसको ये दिखता है तो कहता अरे वाह मजा, आप भी कहोगे मजा आ गया। चलिए अगले सवालों पर आते हैं, अगले प्रकार के सवालों पर आते हैं। चलिए देखिएगा इस प्रकार के सवालों को आप कैसे निपटाएंगे, कैसे देखते हैं आपका सिनेरियो कैसा रहता है। देखो इन सवालों को देखो तो देख के लगेगा अरे दादा कितना कठिन है, नहीं कठिन बिल्कुल नहीं है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आता है सर ए माइनस बी, बस इतना ही, फिर उसके बाद वही तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लास्ट वाला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काम खलास। अब देखिए सर आपको पहला और आखिरी टर्म देखना है, एक बटे ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी करोगे तो दो दूनी चार यानी कि दो प्लस एक तीन आएगा, और जब माइनस करेंगे, जब इसको आप ऐसे समझ लो दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर लिखो, तो एक ब्रैकेट में दो प्लस एक आएगा, एक ब्रैकेट में दो माइनस एक आएगा, तो अपने पास यहां क्या आएगा, एक गुणे तीन आएगा या नहीं आएगा, बोले सर आ गया, मैंने कहा वेरी गुड। अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एक जो चार का स्क्वायर लिखा था, एक ब्रैकेट में चार प्लस एक आएगा, एक ब्रैकेट में चार माइनस एक आएगा, यानी कि तीन गुणे पांच होगा कि नहीं होगा, बोले सर होगा, ये तो होगा तीन गुणे पांच। और इसी तरीके अगर मैं इसको दिखाऊं तो एक ब्रैकेट में उन्नीस होगा, एक ब्रैकेट में इक्कीस होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सी बात है। तो इससे शुरू होकर हम कहां तक पहुंच रहे हैं, एक बटे उन्नीस गुणे इक्कीस तक, सारा क्वेश्चन वही हो गया सर, अंतर कितने का दिख रहा है, दो, सारी ट्रिक वही हो गई सर, आप तो बिल्कुल मतलब गदर काट दिए, सब कुछ वही बना दिए, अंतर कितना है दो का, एक बटे दो, एक बटे पहला पद सर एक ही है, माइनस एक बटे आखिरी पद सर इक्कीस है, इक्कीस एकम इक्कीस में से एक जाएंगे बीस बटे इक्कीस, तो एक बटे दो गुणे बीस बटे इक्कीस, दो से काट लीजिए दस बार, तो आपका उत्तर क्या आ गया, दस बटे इक्कीस। बताइए मजा आई सवाल में, आनंद आया, आया सर आया। देखिए अगला सवाल सेम क्वेश्चन पर क्या बनेगा, सात में से तीन गए चार बचा, सात प्लस तीन दस हो गया, चार गुणे दस, तेरह में से तीन गए दस हुआ, तेरह प्लस तीन सोलह हो गया, अंतर देखिए सर कितने का चल रहा है, छह का, आखिरी वाले को भी चेक कर लो, इकतीस में से तीन जाएंगे अट्ठाईस बचेगा, और इकतीस में तीन जोड़ोगे तो चौंतीस हो जाएगा, अंतर छह का, तो जब अंतर छह का है तो एक बटे छह, पहला पद क्या है चार माइनस आखिरी पद क्या है चौंतीस, पहला पद चार आखिरी पद चौंतीस, इतनी बात समझ में आ गई, बोले आ गई सर। अब जब इतनी बात आपने समझ ही ली है तो देखिए खत्म करिए ना, एक बटे छह एलसीएम बताइए सर,
एलसीएम बताइए दोनों का, 34 और 4 का, बोले सर 68, 17 ऊपर, 34 दूनी 68, नीचे 68, क्या बचा ऊपर, बोले सर 1/6 गुणे 15/68, 3 से काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 68, 2 × 8 = 16, हासिल लगेगा 1 × 2 = 12 और 1 × 13, सवाल खलास। मजा आई? मजा आई? आओ देखो अगला क्वेश्चन, ये देखिए सवाल, समझने की देर होनी चाहिए, सवाल बड़े सरल होते हैं। अब आप समझो, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था सर नीचे जितना अंतर होना चाहिए संख्या भी ऊपर उतनी होनी चाहिए, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये लिखा है 3/1 × 4, यहां पर देखूं तो यहां पर लिखा है 5/4 × 9, आगे अगर चल के देखता हूं मैं यहां पर डैश डैश करके तो लिखा 19/81 × 100। अब समझना, अगर ये देखा जाए 3/, इसका अंतर 3 है, ऊपर 3 लिखा भी है, समस्या ही खत्म। इसका ऊपर 5 लिखा है, अंतर भी 5 है, ऊपर 19 लिखा है, अंतर भी 19 है। बोले सर ऐसे में क्या करते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप एक चीज को समझना, थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, थोड़ा सा आपको चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो ये सवाल होता, इसमें पहला पद अगर आपके पास है 1/4, तो मैंने आपको बोला था कि जितना अंतर है उसका हम लोग 1/3 करते हैं ना, ये इसलिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जो अंतर है ना वो उतना अगर ऊपर भी लिखा होता तो अपना काम सरल होता, 1/4, जैसे इसको आप सॉल्व करते तो 1/4 आता आसानी से। अब इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ के सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ऊपर हमारे पास 3 होता तो हम इसको लिखते कैसे, इस चीज को समझना, ठीक। ये 3/4 तब होता लेकिन लिखते कैसे, तब ये 3/12 हो जाता, तो इसका मतलब लिखते आप 3/3 − 3/4, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये चीज के लिए इसको हम लोग 1/3 से गुणा भाग करते हैं, जितना अंतर होता है उसी का ऊपर गुणा उसी का भाग करते हैं, तब हमारे पास चीज आसानी से लिख जाती है। यानी फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 − 1/4, बाहर 3 था ही अपने पास, देखिए बाहर 3 था ही अपने पास, तो ये क्या बन जाता आपके पास, ये बनता देखिए 1/3 गुणे में 4 × 4 में से गया तो 3/4, 3 से 3 कट जाता, फिर से 1/4 आता कि नहीं आता, बोले सर हाँ यही आती बात। यानी कि अगर जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर लिखा हुआ है, जितना अंतर नीचे है उतना ही अगर ऊपर लिखा हुआ है, जैसे अगर ये सवाल होता, आप फिर से एक बार समझ लेना, मैं इसको लिखता कि 3/1 × 4, तो जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए, 3/4, यस और नो, बोले आना चाहिए सर। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं ना कि 1 − 1/4, बोले मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो ये डायरेक्ट 3/4 आ ही जाएगा आपके पास। यहां से मेन मुद्दा आप पकड़ो, पकड़ा आपने, बोले हाँ सर पकड़ा। अब देखो अगर आपने ये बात पकड़ ली तो ये सवाल आपके लिए क्या हो गया, खल्लास। मुझे लाना है 3/4, तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं इसको लिखता 1 − 1/4, इसको कैसे लिखूंगा, बोले सर इसको लिखेंगे आप 1 − 5/36 लाने का ना, तो 1/4 − 1/9, जितना अंतर चल रहा है। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे 1/81 − 1/100। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर हमारे पास वही आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, बोले हाँ सर। अब एक चीज का ध्यान देना, जब ऐसे हमारे पास चल रहा है तो ये प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 खत्म हो जाएगा, तो पहले का पहला पद ले लिया 1, आखिरी का आखिरी पद ले लीजिए 1/100, तो 100 में से 1 जाएगा 99 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा, आपका उत्तर बन गया 99/100। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। एक ऐसे ही और सवाल लेने का कोशिश करते हैं, देखिए आप ही क्या अपने पास क्या लिखें इसको, सबसे पहले तो लिख लो 3/1 × 4, जितना अंतर है उतना ही ऊपर लिखा है, 5/4 × 9, और इसी तरीके से ये चला प्लस 39/19 = 361 और 20² = 400, ये आ गया। अब
3/1 गुणे 4 है तो इसको लिखा 1 - 1/4। देखो 3/4 ही आएगा ये। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 1/4 - 1/9 और लास्ट में आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 1/361 - 1/400। तो आपकी नजर ये पढ़नी चाहिए -1/4 खत्म हो जाएगा, -1/9 अगले से खत्म हो जाएगा। तो अपने पास केवल पहला और आखिरी पद लेना है, एक ही तरीका सवाल सारे, पहला पद एक। अंतर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितना अंतर नीचे है उतना ही ऊपर लिखा है, इसलिए उस अंतर को हम लोग नहीं ले रहे। पहला पद एक ले लिया माइनस, आखिरी पद क्या है भाई 1/400। सॉल्व कर लेते हैं, 401 में से 399 घट, मतलब एक घटेगा 399 आएगा और नीचे 400 आपका आंसर है। खल्लास, सेम तकरीका। जब ऊपर नीचे अंतर बराबर दिखाई दे तो आप सिर्फ लगाओगे 1/1 - 1/4, बस खेल खत्म हो जाएगा, इतने में तो गेम खत्म। क्लियर? आइए अब एक ये सवाल जो है ना, इसको आप मुझे होमवर्क में करके आंसर देंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपको समस्या ना आए। कह रहा है अप टू 20 टर्म तक का आपको योग बताना है। शुरुआत एक से हो रही है तो 20वां, और एक के बाद फिर 2 है, फिर 3 है, लगातार चल रहा है। तो 20वां पद जो होगा उसमें क्या आएगा 1/20 गुणे, फिर देखिए 2 अगला, एक के बाद अगला 2 है, फिर 2 के बाद अगला 3 है, तो ऐसे ही 20 के बाद अगला क्या होगा 21 होगा। अब ये सवाल आपके पास बन गया कि 1/1 × 2, फिर उसके बबाद 1/2 × 3, फिर 1/3 × 4, सो ऑन 1/20 × 21। इसका आंसर आप लोग मुझे सभी लोग कमेंट करेंगे, और साथ साथ ये कमेंट जरूर करेंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही, जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं इससे आप कितना फायदा उठाओगे। ठीक है, एक ही सवाल आपको होमवर्क में करके मुझे देना जरूर है। लाइक करने में और कमेंट करने में मेरे भाई सभी से निवेदन है मेरा, इमोशनली प्लीज कोई कोताही मत करना। सांस उखड़ती है पढ़ाने में, फिर भी चीजें आपके लिए लेके आता हूं। चलिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आगे भी मिलूंगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।